दफ्तरों और कार्यालयों में भी मुझ जैसे छोटे से आदमी के लिए कोई जगह नहीं। सब तरफ निराशा ही निराशा नजर आती है सुशीला। ओफो, इस तरह निराश होने से काम चला है भला? अच्छा अंदर तो आइए ना, कब तक यहाँ खड़े रहेंगे, चलिए ना भीतर। क्या मुंह लेकर भीतर चलूं सुशीला, अपनी व्यवस्था पर बड़ा संकोच होता है मुझे। अच्छा, पहले इत्मीनान से भीतर चलिए, हाथ मुंह धो डालिए। आज मैंने दूध की चाय बनाई है। अच्छा पहले चाय पी लीजिए और फिर आराम से सारी बातें बताइए मुझे। तुम्हारे जबान में बड़ी ताकत है सुशीला। चलो, लेकिन आज ये दूध की चाय कैसे बनी? ओफो, पहले आराम से बैठिए तो फिर सब बताती हूँ। अच्छा बाबा, लो बैठ गया, अब तो बतलाओ। हाँ सब बताती हूँ, लो पकड़ो इसे, मैं अभी चाय लेकर आती हूँ और फिर सब बताऊंगी आपको। ठीक है। भला आपसे भी कुछ छिपा सकती हूँ मैं? अरे इस पर तो मेरा ध्यान ही नहीं था, ये बनियान है किसकी? ओ सब समझ गया, पैसों के लिए सुशीला ने लोगों की बनियाने बुनना शुरू कर दिया है। सुशीला इसमें कितनी खुश है, लेकिन लेकिन मेरे लिए कितनी लज्जाजनक, कितनी कष्टप्रद बात है। इन पैसों की चाय का एक एक घूंट मेरे लिए जहर के घूंट के समान होगा। नहीं, मैं ये चाय नहीं पी सकता। क्या कह रहे हैं आप, ये चाय नहीं पी सकता? क्यों, क्या हो गया है इस चाय को? नहीं नहीं कुछ नहीं, बस आज चाय पीने की इच्छा ही नहीं है। वाह, 8 दिनों लगातार तो बगैर दूध की चाय बड़े चाव से पीते आ रहे थे और आज दूध की चाय पीने को आपका मन नहीं करता। आखिर बात क्या है, क्या मुझसे कोई भूल हो गई? नहीं सुशीला नहीं, तुम जैसी पत्नी तो बड़े सौभाग्य से मिलती है, मुझ जैसे बेकार आदमी का भी तुम कितनी सुंदरता से निभा कर रही हो। क्या मैं कभी इसे भूल सकता हूँ? ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे प्रति ऐसे विचार रखते हैं, वरना मैं हूं किस लायक। अच्छा अब ये चाय पी लीजिए, ठंडी हो रही है। सुशीला ये बनियान बड़ी अच्छी बन रही हो, किसकी है? देखिए आप बात को बदलिए मत, चाय पीते जाइए, मैं सब बतला दूंगी। नहीं, पहले ये बतलाओ कि ये बनियान तुम क्यों बुन रही हो और चाय के लिए दूध कैसे मिल गया? ओह, तो क्या इससे मैं ये समझूं कि आपका मुझ पर से विश्वास उठ गया है? नहीं नहीं कभी नहीं। अच्छा लाओ मैं चाय पिए लेता हूँ। अब बताती हूँ, पड़ोस के बाबू जगमोहन की श्रीमती जी सुबह आई थी। अच्छा उन्होंने ये बनियान बुनने के लिए दी है और हाँ जबरदस्ती 3 रुपए भी दे गई हैं। मैंने बहुत आनाकानी की लेकिन वो नहीं मानी। बाबू जगमोहन? अरे उनसे तो मैंने नौकरी के एक सिलसिले में बातचीत की थी तो फिर और सारा हाल भी बतलाया था। संभव है उन्होंने सोचा हो। ओ सुशीला, सुशीला कितने अच्छे हो तुम, मेरा कितना ध्यान रखती हो, और मैं कितना बुरा हूँ, तुम्हें कितने कष्ट दे रहा हूँ मैं। ओफो, शहर के सबसे सुंदर अखबार के भूतपूर्व संपादक श्री श्याम लाल श्रीवास्तव को कदापि अपने विषय में ऐसे कमजोर विचार नहीं रखने चाहिए। ओ सुशीला क्यों याद दिलाती हो उस समय की, मैं था कभी संपादक तो क्या लेकिन हुआ? आज तो दर दर नौकरी के लिए भटकने वाला एक बेकार प्राणी मात्र हूँ। सचमुच सुशीला बड़ा दुख होता है ये सोचकर, एक तहलका मचा देने वाले पत्र के संपादक में आज इतनी भी कुवत नहीं है कि वो। छी, ऐसी बातें मुंह से ना निकालिए। अपने आत्म सम्मान की रक्षा के लिए जिस व्यक्ति ने वर्षों की संपादकी को ठोकर मारती हो उसे ऐसी कमजोर बातें शोभा नहीं देती। वो मेरी भूल थी, भारी भूल। मैं देख रहा हूं कि आत्म सम्मान की इस थोथी भावना को जिन्होंने कुचल दिया है वे आज मौज उड़ा रहे हैं, और मुझ जैसे बेवकूफ जो इन भावनाओं के पीछे भटकते रहते हैं वे सदा भटकते ही रहते हैं। ये मैं आपके मुंह से कैसी बातें सुन रही हूँ? आत्म सम्मान के साथ मिली हुई सूखी रोटी का जितना महत्व है उतना महत्व आत्म सम्मान को खोकर दूध रोटी पाने में भी नहीं है। वो जिंदगी भी क्या जिंदगी जिसमें दिन में 100-100 बार मर कर जीना पड़ता हो। ये कोरी भावना है सुशीला, कोरी भावना।
मैं महसूस कर रहा हूं कि इसमें भावना के अतिरिक्त सत्य का एक अंश भी नहीं है। नहीं नहीं ऐसा ना कहिए, ऐसा ना कहिए। जिन भावनाओं से संसार का धर्म अधर्म उचित अनुचित भलाई बुराई का ताना बाना बुना हुआ है उन्हें आप असत्य और थोथी न कहिए। एक दिन आपने ही तो कहा था कि संसार भावनाओं की शक्ति से ही जिंदा है। यदि आत्मसम्मान और धर्म तथा कर्तव्य को प्रेरणा देने वाली भावनाएं मर जाएं, तो दुनिया मर जाए। आज आपके मुंह से ऐसी उल्टी पुल्टी बातें सुनकर मुझे अचरज नहीं बड़ा दुख हो रहा है। ओ मेरा सौभाग्य, कितनी अच्छी हो तुम सुशीला, मुझे अपने स्थान से गिरते गिरते तुमने बचा लिया। अब मैं निश्चय करता हूँ कि ऐसे विचारों को कभी अपने पास न भटकने दूंगा। आप बात बात में मेरी तारीफ करने लगते हैं ना, ये भी मुझे अच्छा नहीं लगता। इस तरह मुझे लजाया ना कीजिए। अच्छा तो अब रोज तुम्हें कुछ ना कुछ कहा करूंगा, कहूंगा तुम ये हो, तुम वो हो, तुम बहुत बुरी हो। जाइए, आप बड़े वैसे हैं। अच्छा हटाइए इन बातों को और ये बताइए कि आज कहाँ कहाँ की खाक छाननी पड़ी जनाब को। अच्छा तो लो सुनो सारी कैफियत। सुनाइए। अब मैं सुबह तुम्हारे कोमल हाथों की बनी ऐसी चाय पीकर जिसमें शक्कर की जगह तुम्हारे प्रेम की मधुरता घोली थी और दूध की जगह तुम्हारे उत्साहपूर्ण बातें मिली थी, जब मैं चला तो सीधे गया सेठ रामदास की दुकान पर। अच्छा फिर उसे कहा, सेठ हमें थोड़े अनाज की जरूरत है, अभी दे दीजिए, रुपए फिर ले लीजिएगा। तो वो बड़े प्रेम से बोला, बाबूजी अनाज चाहे जितना ले जाइए, दुकान आपकी है, मगर पहले पिछले 3 महीने का बकाया चुका दीजिए। ओह, तो क्या वो बड़े प्रेम से बोला था? ऐसे मौकों पर सेठ लोग किस किस्म के प्रेम से पेश आते हैं, क्या वो भी तुम्हें समझाना पड़ेगा? अच्छा मत समझाइए, फिर क्या हुआ? फिर हुआ ये कि अपनी दाल गलती ना देख कर मैं बढ़ गया आगे और सीधा जा पहुंचा नया युग अखबार के दफ्तर में। ओ। व्यवस्थापक ने देखते ही कुर्सी से उठकर स्वागत किया और बड़े प्यार से कहा, पधारिए पधारिए, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। मैंने कहा, आप आराम से बैठ जाइए, सेवा करने की इच्छा से तो मैं ही आया हूँ। जानती हूँ इस पुरुष ने क्या कहा? क्या कहा? अरे वो लगा मेरी तारीफ के पुल बांधने, बोला, ओह श्याम जी, आपके क्या कहने, आपके कलम का लोहा तो सारा हिंदी संसार मानता है। अरे वाह, आपके कलम की बदौलत तो उस घसियारे का अखबार आसमान पर चढ़ गया, लेकिन लेकिन हम विवश हैं कि आपके लिए हम कुछ भी करने में असमर्थ हैं। क्या करें, हमारे हाथ बंधे हैं, प्रोप्राइटर साहब ने एक नीति निर्धारित कर दी है। अच्छा। उसी पर चलना पड़ता है। फिर? आप जैसे स्वाभिमानी आदमी जो किसी प्रोपराइटर की आधी बात भी मानने को तैयार नहीं, हमारे प्रोपराइटर की नीति के अनुकूल नहीं हो सकेंगे। और कुछ मेरे योग्य सेवा बतलाइए। अच्छा तो आपने क्या कहा? कहता क्या, यही कहा कि आप अपने योग्य सेवा तो कर ही रहे हैं, मैं क्या बतलाऊ, कष्ट के लिए क्षमा करे और बस बाहर निकल आए। अरे बहुत अच्छा किया आपने, मुझे अभिमान है कि मैं ऐसे स्वाभिमानी पति की पत्नी हूँ। अपना स्वाभिमान खोने की बजाय मैं भूखों मर जाना अधिक पसंद करती हूँ। ओ सुशीला कितनी अच्छी हो तुम, तुम्हारी बदौलत मेरा स्वाभिमान टिका हुआ है, नहीं तो कब का मैं रुपयों के हाथों बिक चुका होता। सुशीला तुम मुझे जिंदा रखने वाली शक्ति हो, मेरी प्राण हो। देखो फिर मेरी तारीफ के पुल बांधने लगे आप। मैं कहती हूँ मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। लो अच्छे को अच्छा कहना भी क्या बुरा है? मैं अच्छी हूँ या बुरी हूँ, आपकी बदौलत हूँ सब कुछ। मैं तो यही चाहती हूँ कि बाज बाज मौकों पर मुझे लजाया ना कीजिए बस। अच्छा ये बताइए फिर क्या हुआ? फिर वहां से निकलकर 3 और दफ्तरों की खाक छानी मैंने। 3 और दफ्तरों की? हाँ। फिर? लेकिन हर जगह निराशा ही निराशा मिली। तब और तंग आकर घर चला आया। कोई हर्ज नहीं, आप चले तो आए ना, ईश्वर पर और अपने आप पर भी भरोसा रखिए। नौकरी आज नहीं तो कल मिल जाएगी। दुनिया में इतने आदमी पड़े हैं और सब अपने अपने योग्य काम कर ही तो रहे हैं। तब क्या आप जैसे योग्य व्यक्ति को आपके योग्य कार्य नहीं मिल सकता क्या? मुझे तो पक्का विश्वास है जरूर मिलेगा। ईश्वर करे शीघ्र मिल जाए। सचमुच भूखे पेट में स्वाभिमान को सुरक्षित रखना बड़ा कठिन कार्य है सुशीला। ईश्वर चाहेगा तो सब कठिनाइयां पानी हो जाएंगी। हाँ ईश्वर चाहे या न चाहे, मैं तो महसूस कर रहा हूँ सुशीला कि मेरी कठिनाइयां तुमने दूर कर दी। कहां कठिनाइयां मेरे सारे मंसूबों पर पानी फेरने जा रही थी और कहां तुम्हारे उत्साहजनक बातों ने पाछा ही पलटा दिया। देखिए फिर आप मेरी प्रशंसा करने लगे। नहीं सुशीला मैं सच कह रहा हूँ, आज मेरे समझ में आ गया है कि पुरुष जब निराशा के बादलों से घिर कर हताश हो जाता है तब स्त्री किस तरह आशा के ज्योतिर्मय दीपक जला सकती है।
समाज के जीवन की धारा के निरंतर प्रवाह में जब पुरुष बाधाओं से घिरकर थक जाता है, तब स्त्री किस तरह उन बाधाओं को दूर करके मार्ग साफ कर देती है, आज मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ। स्त्री और पुरुष जब तक अपने अपने निश्चित कर्तव्य नहीं जान लेंगे, तब तक समाज जीवन छिन्न भी नहीं रहेगा। हाँ, स्त्री और पुरुष दोनों समाज धारा के दो किनारों के समान हैं। समाज की धारा और स्त्री तथा पुरुष दो किनारे। और क्या? बिल्कुल ठीक सुशीला, बिल्कुल ठीक। अच्छा तो मैं बाबू जगमोहन जी से मिलाता हूँ। हाँ हाँ जरूर। संभवतः उन्होंने मेरे योग्य कोई कार्य खोज लिया हो। हमारे योग्य मतलब? हमारे से मेरा मतलब है मेरे और दयाल बाबू के लिए। ओह, उन्हें मैं कैसे भूल सकता हूँ सुशीला। उन्होंने मेरे लिए मेरे साथ ही नौकरी को ठोकर मार दी थी। अब वो भी बेकार हैं, उनके लिए भी तो मेरा कुछ कर्तव्य है ना सुशीला। हाँ हाँ है तो। अच्छा तो मैं जाता हूँ। हाँ हाँ जरूर जाइए। सुनिए, खाने तक लौट आइएगा, मैं आपका इंतजार करूंगी। अवश्य। अरे दयाल बाबू, आप बहुत दिनों बाद हुजूर दिखाई पड़ रहे हैं। कहाँ कटी इतने दिनों तक? ओ श्याम बाबू, कटती कहाँ है यार, काटनी पड़ी है। जब से अखबार की चक्की पीसना बंद किया, तब से बराबर दर दर की धूल छानना पड़ रही है। बड़ा मजेदार काम है ये धूल छानना भी। हाँ यार, मजेदार तो ऐसा है कि जिंदगी के बाकी सब मजे इसके आगे याद आने की हिम्मत तक नहीं करते। हाँ हाँ भाई, कभी हम बड़े बड़ों की किस्मत धो दिया करते थे, मगर आज हमारी किस्मत ही हमें धोने पर तुली हुई है। हाँ यार, हमारी छोड़ो, अपनी कहो, क्या किया इतने दिनों तक? दफ्तर को ठोकर मारने के बाद अब जाकर दिखाई पड़ रहे हैं हुजूर। अरे क्यों अपनी ही बात मेरी जुबानी दोहराने लगते हो? अच्छा, हाँ हाँ बोलो। क्यों? अरे क्यों रहे यार, वही मैं भी कह रहा हूँ जो तुम करते हो। मैंने तो कई बार तुमसे मिलने की भी चेष्टा की। अच्छा, किंतु पता नहीं तुम कभी घर आते भी हो नहीं। अच्छा, तो तुम भी उसी चक्की का पिसा खाते हो जिसका हम खा रहे हैं। गलत क्यों कहते हो दयाल भाई, यूं कहो कि उसी चक्की में तुम भी पिसते हो जिसमें हम। अच्छा अच्छा, तो भाई ये गलतियां सुधारने का मर्ज अभी भी तुम्हारे दिमाग में घर किए हुए है। अब तो संपादक की कैंची चलाना छोड़ो, खैर कुछ भी समझो, मतलब तो दोनों के एक ही हैं। लो यार, चने खाओगे? लो लो, बुरे दिनों का मेवा है ये। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। भाई तो फिर लो ना, देख क्या रहे हो, बड़े कीमती हैं ये। अच्छा, अपनी जेब की संपूर्ण पूंजी का अंतिम संस्कार करके प्राप्त किया है इन्हें। भाई सुना है मानसरोवर में हंस मोती चुगते हैं, उन मोतियों से कम कीमती नहीं है ये। और तुम भी कहा किसी हंस से कम हो। हाँ यार, कहते तो सच हो, फकत नसीब कौवे का पाया है, इस नसीब ने हमको निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। आओ ना, आराम से यहाँ बैठे। धन्यवाद देने को जी करता है इन म्युनिसिपलिटी वालों को, जिन्होंने कि हम लोगों के लिए पार्क में बेंच रख दिए। हाँ ये तो बताइए कि घर के क्या हालचाल है भैया? ये न पूछते तो अच्छा होता। भाई मैं तो यही पूछना अधिक अच्छा और आवश्यक समझता हूँ। सच तो ये है कि भैया घर में पांव भी रखने की हिम्मत नहीं होती। अच्छा, देखते ही श्रीमती जी जैसे काटने को दौड़ती हैं। ओहो, घर का मालिक घूरता ही रहता है कि कब कब आता हूं मैं, जैसे उसने हर बार टोकने की कसम खा ली हो, और हर बार उसे टालने का और उसके आगे गिड़गिड़ाने का मैंने ठेका ले रखा हो। सच पूछो, मैं तो तंग आ चुका हूं इन रोज रोज की झंझटों से। भाई साहब, झंझटें तो जीवन में होती हैं और आदमी झंझटों से परेशान भी हो सकता है, लेकिन झंझटों से भागना भी तो कायरता है दयाल भाई। आदमी को लड़ना चाहिए इनसे, जीतना चाहिए इन्हें। ये सब कहने की बातें हैं भैया। अच्छा यार एक बात बताओ। पूछो। मुझे आज ही पता चला कि तुम 4 दिनों से घर नहीं गए। भला ये भी कोई बात है? तुम तो यहाँ चने फांकते घूम सकते हो, लेकिन उसके बारे में भी तो कुछ सोचो जो घर में बैठी हुई फांके कर रही है। उसके बारे में कुछ मत कहो भैया, उसने मेरे जीवन को और भी उलट पुलट करके रख दिया है। अच्छा, यदि वो हर दिन दिमाग ना खराब की रहती तो शायद कहीं ना कहीं नौकरी मिल ही जाती। बस
हर बार मूड बिगाड़ कर रख देती है मेरा। मूड के अधिकार में स्वयं रहने की अपेक्षा मूड को अपने अधिकार में रखना अच्छा रहता है दयाल भाई। स्त्री चाहे तो पुरुष को आसमान पर पहुंचा सकती है और अगर चाहे तो नरक में भी ढकेल सकती है। और शायद तुम्हें पता नहीं कि मेरी श्रीमती जी क्या चाहती हैं। उनके चाहने का तो प्रश्न तुम पर ही निर्भर हो सकता है। सो सब ठीक है भैया, मगर तुम भी क्या ये बेकार की बातें लेकर बैठ गए। अच्छा, अब नहीं करूंगा ये चर्चा, लेकिन एक शर्त पर। शर्त? कैसी शर्त? अभी तुम घर जाओ, भाभी को सांत्वना दो। देखिए, मैं एक जगह जा रहा हूँ, आशा है हम दोनों की नौकरी का प्रबंध हो जाएगा वहां पर। तो तुम जाओगे ना? तुम्हें विश्वास है कि हम दोनों को नौकरी जरूर मिल जाएगी? हाँ हाँ, और हमें तो ऐसा विश्वास रखना ही चाहिए। हम अपने आप को इतना अयोग्य क्यों समझे? अयोग्य? ऐसी बातों से मन का बुखार भले ही उतर जाए, मगर कोई प्रश्न हल नहीं होता दयाल भाई। मैं कहता हूँ तुम अब सीधे घर जाओ। तुम्हारी यही मर्जी है? हाँ। तो भैया ठीक है, चला जाऊंगा। चला जाऊंगा नहीं, अभी जाओ। यार तुम भी श्याम बस। दयाल भाई, समाज के जीवन की धारा स्त्री और पुरुष के दो किनारों के बीच से बहती है, और उसे ठीक दिशा में ठीक गति से बहने के लिए दोनों किनारों का ठीक होना कितना जरूरी है। जानकी, दरवाजा खोलो, मैं आ गया। तो आ गए आखिर। कहिए, आरती उतारूं या पूजा करूं आपकी? शहर की शायद सारी नौकरियां आपकी राह ताकती बैठी हुई थी, इसीलिए तो सबसे मिलने जुलने में इतना समय लग गया। 1, 2, 3, 4 दिन हो गए आज। लो, घर आया नहीं और बारिश शुरू कर दी। अरे भाई, मौसम ठंडी का है, बारिश का नहीं, जरा ठंडी रहा करो। ये हमेशा 440 का टेम्परेचर अच्छा नहीं। आपका किया धरा कुछ नहीं, जरा सी बात मैंने क्या कह दी कि इतनी बुरी लग गई? नहीं नहीं, तुम तो फूल बरसा रही थी। जानकी, जरा मेरी भी तो सुनो, इतना क्रोध ठीक नहीं। तुम्हारी सुनते सुनते तो मेरे कान पक गए, अब हिम्मत नहीं रह गई। क्या सुनूं, आखिर कुछ अभी है सुनने को? ओफो, अरे जरा ईश्वर के लिए धीरे बोलो, धीरे। आस पड़ोस के लोगों को तमाशा दिखाना तुम्हें अच्छा लगता है क्या? हाँ हाँ, मैं बोलती हूँ तो आस पड़ोस के लोगों को तमाशा दिखता है। अरे ये क्यों नहीं कहते कि मकान मालिक के कान में भनक पड़ गई तो तुम्हारी शौनत आ जाएगी? तुम चाहे जो समझो, लेकिन ईश्वर के लिए धीरे बोलो। धीरे बोलो? क्यों बोलूं धीरे? नहीं बोलूंगी धीरे, चिल्लाऊंगी। मैं तो खूब चिल्लाऊंगी। तो चीखो, चिल्लाओ, मैं जाता हूँ। जाने किस ज्योतिषी ने राशियां मिलाकर रख दी और ये ढोल मेरे गले बांध दिया। मैं ढोल हूँ? तुम्हारे गले बांधू? मुझे गाली देते हो? 10 बार तुम्हारे पिताजी ही तो हमारे यहाँ नाक रगड़ते हुए आए थे, तब जाकर पिताजी राजी हुए थे हमारी शादी को। अपनी बातों में बुजुर्गों को खींचती हो तुम। जैसे निकम्मों को बोलकर कुछ होगा क्या? तो क्या तुम्हारे बाबूजी अब स्वर्ग से उतर कर यहाँ आएंगे? बाबूजी, बाबूजी अगर आज जिंदा होते तो क्या मुझे ये दिन देखना पड़ता? हाँ हाँ, तुम्हें उम्र भर सर पर बिठाए रखते। जानकी, जानकी तुम ऐसा क्यों समझती हो कि मैं नौकरी की बिल्कुल चिंता नहीं करता? क्या बेकार बैठने की मुझे खुशी होती है? ऐसा ना समझू तो क्या समझू? तुमने ही तो ऐसा समझने पर मुझे मजबूर कर दिया है। जीवन कितनी विविधताओं का केंद्र है, इसे तुम क्या जानो? मैं सब जानती हूँ। आदमी कितने निकम्मेपन का केंद्र हो सकता है, ये भी मैं तुमसे सीख गई हूँ। जानकी, 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 तुम मुझे पागल कर डालोगी। अगर ऐसा करूंगी तो कोई गुनाह नहीं करूंगी, कम से कम इतनी तसल्ली तो हो जाएगी कि तुम कुछ कर भर नहीं सकते हो। जानकी, 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 जानती हो तुम क्या कह रही हो? श्याम भैया कहते थे, स्त्री और पुरुष समाज जीवन की धारा के दो किनारे हैं, और दोनों के ठीक रहने पर ही धारा ठीक दिशा में ठीक गति से प्रवाहित हो सकती है। किंतु किंतु यहां तुम सब उलट पुलट करके रख देती हो। चिंता नहीं मुझे, मुझे बिल्कुल चिंता नहीं। तुम सब कुछ नष्ट कर दोगी, बिगाड़ दोगी। हाँ हाँ, मैं नष्ट कर रही हूँ, बिगाड़ रही हूँ मैं? तुम अपना दोष मुझ पर लादना चाहती हो? सारे गहने बेच कर क्या मैं खा गई? अच्छी भली नौकरी थी, उसको ठोकर मार दी। बेकार क्या मैं बैठी हूँ? बातों और आदर्शों की रटन में जीवन नहीं कटता बाबू साहब। जीवन काटने के लिए कर्म करने पड़ते हैं, कर्तव्य की शिला पर अपनी देह घिसनी पड़ती है। तुम
तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया है, तुमने मुझे कहीं का नहीं रखा है, तुम मेरे सर्वनाश की जड़ हो। सुनो सुनो, नौकरी मुझे मिल रही है, अब मैं नौकरी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा नौकरी, जानती हो क्यों? केवल तुम्हारे कारण मैं सारी चिंताओं से मुक्त हो जाऊंगा। मुझे किसी की चिंता नहीं, तुम्हारी भी नहीं, अपनी भी नहीं, दुनिया की भी नहीं। सुनो तुम। ये स्वान किसी और को दिखाओ, ऐसे स्वान बहुत देख चुकी हो, अब और देखने की ताकत मुझ में नहीं है। स्वान स्वान चलिए इसे भी स्वान समझो। स्वान मारो मारो और मारो, इसके सिवा तुमसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है? आज मेरे बाबूजी जिंदा होते तुमने अपनी बातों से मेरा जीवन छलनी कर दिया है। मुझे कहीं का नहीं रखा। यदि मैं तुम्हारा गला भी घोर दूं तो भी मैं दोष नहीं करूंगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा, अपने आप को मार डालूंगा, सारी दुनिया को मार डालूंगा। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, 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 मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सोच रहे हैं आप? चलो बतलाता हूँ, एक सरकारी पत्र निकल रहा है, उसके संपादक का स्थान है, किंतु किंतु क्या? किंतु एक ऐसी चिंताजनक बात हो गई है कि नौकरी मिलने की मुझे कोई खुशी नहीं है। अरे वो क्यों? तुम तो जानती हो सुशीला, जब मैंने अखबार का दफ्तर छोड़ा था तब मेरे साथ मेरे प्रिय साथी दयाल बाबू ने भी नौकरी को ठोकर मार दी थी। ओह, फिर? वो मुझे कितना सम्मान देते हैं तुम तो जानती हो। हाँ हाँ जानती हूँ, लेकिन क्या हुआ? आज मैंने उनके और अपने दोनों के लिए नौकरी खोज ली। ये तो खुशी की बात हुई, तो इसमें चिंता की क्या जरूरत है? किंतु अभी जब उसे ये शुभ समाचार सुनाने गया तो हाँ, तो क्या हुआ? तो जो कुछ देखकर मैं आया हूँ ना, वो चिंता का विषय बन गया है। अरे क्या हुआ? मेरा प्यारा साथी दयाल पागल हो गया है। पागल हो गया है? हाँ। वो कैसे? उस बेचारे का इतना ही दोष है कि उसे तुम जैसी पत्नी नहीं मिली। अरे तो क्या पत्नी इतनी भयानक होती है कि पति को पागल कर दे? भगवान जाने कैसे हो जाया करती है। तो फिर आपने क्या सोचा है? क्या सोचूं? जिस मित्र ने आपके लिए अपनी नौकरी ठुकरा दी, आपको जो इतना चाहते हैं, आप जब उस पर विपत्ति पड़ी है तो उसके लिए कुछ भी नहीं करेंगे? करना तो चाहता हूँ सुशीला, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। मैं बताऊ, जानकी बहन भी तो बिल्कुल अकेली है, वो बेचारी क्या कर सकती है? मुझे एक बात सूझी है, अगर आपको जचे तो। क्या? जानकी बहन को आप यहाँ लेते आइए और दयाल भैया को मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करवा दीजिए। हाँ मैं भी यही सोचता था, कल मैं कुछ रुपए एडवांस ले लूंगा। हाँ? या जगमोहन बाबू से मांग लूंगा, इतना तो अवश्य करना पड़ेगा और मैं अवश्य करूंगा। मगर जानकी बहन को आप अभी ले आएंगे ना? हाँ, उन्होंने भी तो 3-4 दिनों से कुछ खाया नहीं है, वे भी खा लेंगी। हाँ, ईश्वर करे दयाल बाबू फौरन अच्छे हो जाएं, उनके आड़े वक्त पर अगर हम नहीं काम आएंगे तो और कौन काम आएगा? हाँ सुशीला, लेकिन एक जिम्मेदारी तुम पर और आ जाएगी। वो क्या? जानकी बहन को जीवन का ठीक रास्ता समझाने की। उसके लिए आप निश्चिंत रहें, मैं सब कुछ कर लूंगी। बहुत अच्छे, तो मैं जाता हूँ। जी हाँ जाइए, लेकिन जल्दी वापस आ जाइएगा। ठीक है।